नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा सुनाई जाएगी, जिसका शुभारंभ आज 10 तारीख को किया गया है, जिसके चलते आज बड़ी संख्या में भोपाल के पीपुल्स मॉल स्थित पंडालों में जनता उपस्थित हुई। यहाँ पूरे देश भर से लोग उपस्थित हुए हैं, जिनके लिए बड़ी संख्या में व्यवस्था की गई है। कथा लगभग 5 दिन तक चलेगी। यहां लगभग 5 लाख लोगों के आने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल से केकेआर न्यूज के लिए संवाददाता आदिल खान की रिपोर्ट। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां कथा का आयोजन किया गया है। नरेला विधायक विश्वास सारंग द्वारा, जहां प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा वाचन किया जाएगा, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। लगभग 5 लाख लोगों की यहाँ आने की आकांक्षाएँ लगाई जा रही हैं, और यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं वो भी लोगों के देखकर काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। इतनी गर्मी के मौसम में भी यहाँ एक ठंडा माहौल बनाया गया है, जिससे यहाँ आने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिले। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मेरे आसपास बड़ी संख्या में महिला, बच्चे एवं बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं, और भी जनता अभी यहाँ पर आ रही है। नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ भोपाल के पीपुल्स मॉल स्थित, जहाँ पर एक बहुत ही भव्य कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का आयोजन किया जाएगा। काफ़ी लंबी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। आइए हम वहाँ जानते हैं यहाँ के लोगों से कि कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आपका क्या नाम है? आशा साहू, भोपाल से हूँ, नरेला विधानसभा में आती हूँ। हमारे विश्वास सारंग जी, माता पिता जी के उसमें शिव पुराण कथा हो रही है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हैं। हम क्या पूरे नरेला वासी नहीं, पूरे दूर दूर देशों से भी व्यक्ति यहाँ पर आए हैं और शिव पुराण कथा के लिए। देखिए, पूरा पांडव जहाँ तक निकल जाएगी सब बैठे बैठे जी। भोपाल से ही हूँ मैं, सुनीता साहू जी। बहुत ज़्यादा पब्लिक, हम सुबह के आए हुए हैं, है ना, 8 दिन से आई है। सारी बहनें आज नरेला के अंदर 1 महीने से पूरे इसी तैयारी में है कि हमको सब डट के बढ़िया गुरु जी की शिव पुराण कथा भी सुनना है, कार्यक्रम को सफल भी बनाना है। अयोध्या मतलब बहुत दूर दूर से यहाँ से आए हुए सब। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद महिलाओं द्वारा बताया गया है कि लोग यहाँ पर काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा के लिए। दूर दूर से यहाँ, प्रदेश भर से एवं देश के कई हिस्सों से भी लोग आए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि लोग कहाँ कहाँ से यहाँ आए हैं और मौजूद हुए हैं और कितने लंबे समय से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और काफ़ी बड़ी संख्या में जनता आई हुई है, और कहाँ कहाँ से यहाँ लोग उपस्थित हैं? यहाँ भारत के अनेक प्रांतों से जनता का आगमन, श्रोताओं का आगमन हो रहा है, और मैं धन्यवाद करूँगा हमारे नरेला क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग जी का, जिन्होंने इतना विशाल और भव्य आयोजन आज भोपाल वालों को दिया है। 5 दिवसीय प्राण है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण का वाचन करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश के श्रोता तो आए हैं, बाकी गुजरात, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, बिहार से अनेक प्रांतों से लगभग 5 लाख श्रोताओं के आने का अनुमान लगाया गया है, उससे अधिक हो सकते हैं। और व्यवस्था इतनी व्यवस्था सुंदर करी है माननीय विधायक जी, मंत्री जी ने, कि यहाँ कूलर की व्यवस्था और श्रोताओं के बैठने की बहुत सुंदर व्यवस्था की है। और इसके साथ साथ ये भोपाल में पहला आयोजन होगा जो इतना विशाल रूप में होगा। मुझे अनुमान ये है कि माननीय महाराज श्री, आदरणीय महाराज श्री का ये जो कार्यक्रम है, ये सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जनता उतनी अधिक आने की संभावना है, क्योंकि जी धन्यवाद। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।